हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इमरहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, एनआरसी के बारे में एक और नई अपडेट निकल के आ रहा है, एक बड़ी खबर निकल के आ रहा है। इस अपडेट को जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए बिना स्किप किए, और उससे पहले वीडियो को देखते देखते एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा कर रख लीजिए, ताकि नए नए इन्फॉर्मेशन छोटा वाला अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। तो इस अपडेट में बताया गया कि दिल्ली में 80% अपराधों के लिए जिम्मेदार अवैध अप्रवासी, भाजपा नेता मनोज तिवारी कहते हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 80% अपराधों के लिए अवैध प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया। तिवारी ने कहा कि दिल्ली में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर की उनकी मांग, अपराधों में शामिल ऐसे अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें बेदखल करने के लिए है। उन्होंने कहा, दिल्ली में 80% अपराधों में अवैध प्रवासी शामिल है, इसलिए मैं एनआरसी की मांग कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं ऐसा करता हूँ अरविंद केजरीवाल उनकी दाल बन जाती है, उन्होंने कहा। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एनआरसी कार्यवर्तन के बारे में एक सवाल पर कहा कि शहर में आवास शुरू होने पर तिवारी को हटा दिया जाएगा। तिवारी ने कहा कि कानून और व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास है, और वो अवैध प्रवासी का नाम लेकर इसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, यह काम करने की ज़रूरत है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली में अपराध को कैसे नियंत्रित करने जा रही है, जब बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी शहर के विभिन्न हिस्से में रह रहे हैं, उन्होंने आगे कहा।